चलिए लेट अस स्टार्ट। आवाज बंद अब बहुत होगी सेलिब्रेशन। आप लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा, यू डोंट वरी। भावना टिल द लास्ट ब्रीथ वी वर मतलब लाइक कि हम इसको ठीक करेंगे। देखो करने से फायदा हुआ ना। चलिए एनी हाउ लेट अस स्टार्ट। अब कोई आवाज ना आए बिल्कुल भी, बहुत होगी सेलिब्रेशन। द डिस्टेंस ऑफ 5 - 4 जिससे पूछूंगी वही बताएगा, प्लीज कीप क्वाइट। अब आवाज ना आए किसी की। डिस्टेंस ऑफ 5 - 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस, अभ्यांश बताना जरा क्या होगा। प्लीज कीप क्वाइट। Distance of this point from x-axis. हाँ? Call करना है इसको। 5 - एक आपसे पूछा किसी ने? Distance of this point from x-axis. हाँ? 5 - 4 point है। इसका x-axis से distance क्या होगा? Please आवाज नहीं। इतना टाइम। हाँ 5 डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक मिनट, किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट, एंड वी हैव टू टेक द डिस्टेंस इन द पॉजिटिव सेंस। -4 भी ऑप्शन में दिया होगा, स्टिल वी विल राइट इट टू बी 4 यूनिट्स। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट distance of this A and B is 5, distance between A and B is 5, find K, करो सॉल्व साथ साथ। distance between A and B, A is K3 and B is 2, 3, distance is given to be 5, find the value of K। केशव रिकी बर्थडे है तो फिर प्लीज पढ़ना तो है ना, करो साथ साथ। What is the answer? जल्दी बोलो। अच्छा एक मिनट, ऑप्शंस आर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट बिटवीन दीज पॉइंट्स, इट इज गिवन टू बी 5 यूनिट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सॉल्व कर लो ऐसे ना, अपनी अपनी तरफ से ना बोल ले जाओ, नहीं के 8 है ही नहीं। और कोई है? एक ऑप्शन है क्या, वो भी बोल दो। 7 इज द करेक्ट आंसर। पहले तो अपनी प्लीज आवाज बंद करो, मैं ऐसे नहीं हो सकता कुछ भी। कर देते डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इट इज गिवन टू बी 5 यूनिट्स, सो दिस विल बी 2 - k² + 3 - 3² दिस इज इक्वल टू 5। दिस इज 2 - k² इज इक्वल टू 5 +-5 स्क्वायर रूट शिफ्ट ऑन द अदर साइड। नहीं प्लस माइनस दोनों चीजें लेनी पड़ेंगी हमें, तभी हमें जो है वो आंसर लेफ्ट साइड से गया। सो ये बचा 2 - k इज इक्वल टू +-5, सो 2 इज इक्वल टू 5। हाँ एक मिनट एक मिनट, एक्चुअली डिस्टेंस में हमारे पास 2 पॉइंट्स आते हैं हमेशा, इसलिए हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे, हमें दोनों साइंस लेने पड़ेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जस्ट ए मिनट वेट, स्क्वेयरिंग बोथ साइड दिस इज 25। पहले स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके हमने स्क्वेयर रूट कैंसिल किया, ठीक है। नाउ स्क्वेयर शिफ्ट ऑन अनदर साइड विल बिकम स्क्वायर रूट।
सो टू माइनस के इज इक्वल टू फाइव माइनस थ्री एंड टू माइनस के इज माइनस फाइव तो के इज इक्वल टू सेवन. इधर से फर्स्ट लाइन बहुत ज्यादा आवाज आ रही है आप लोगों को. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइंट्स ए फोर थ्री बी एक्स फाइव आर ऑन द सर्कल, इफ द पॉइंट ए फोर थ्री बी एक्स फाइव दे आर ऑन द सर्कल विद सेंटर O 2 3 then find x. Point lies on the circle, center is given to us, we want to find the value of x. इस तरह से पॉइंट जो है वो सर्कल की बाउंड्री पे लाए कर रहे हैं. सेंटर हमें दिया हुआ है तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस दिस इज रेडियस. सो वन थिंग इज गिवन टू अस, आपको पता है एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वी नीड सम इक्वेशन. इक्वेशन कैसे बनेगी? बाय यूजिंग द कांसेप्ट दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल रिमेंस द सेम. सो यू विल यूज OA इज इक्वल टू OB एंड फाइंड x. डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए OA इक्वल टू OB का x की वैल्यू. हाँ करो भावना हो गया आपका. ऑप्शन दे देते हैं पहले, आप आंसर निकालो फिर देंगे ऑप्शन. बताओ आंसर क्या आ रहा है? व्हाट इज द आंसर? एक्स इज इक्वल टू टू. नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट्स ए फाइव पी बी वन फाइव सी टू वन एंड डी सिक्स टू फॉर्म अ स्क्वायर. दीज पॉइंट्स दे फॉर्म अ स्क्वायर. यूजिंग दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ पी. P की वैल्यू फाइंड करनी है. देखो किसी भी एक इक्वेशन से हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि एक ही वेरिएबल है. सो यू कैन टेक द इक्वालिटी ऑफ एनी टू साइड्स व्हिच आर इन्वॉल्विंग P. सो आई कैन हैव AB इज इक्वल टू BC. कोई दो साइड्स की वैल्यू आप इक्वल कर दो क्योंकि साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल. सो यू कैन हैव AB इक्वल टू BC. सॉल्व इट एंड गेट P. What is the answer for P? Six. Dilpreet ji, kar lo kuch. Yes. Next question. Find the perimeter of the triangle whose which is formed by the point 0 0 2 0 and 0 2. Perimeter of the triangle whose vertices are given to us 0 0 2 0 0 2. Vertices of the triangle are given, you need to find the perimeter. That means first of all you will find the length of the sides and then they will be added. Length of the sides, perimeter. कितना आया अंशिका? एक मिनट, या तो आप बातें कर लो या फिर मतलब क्लास में बैठ जाओ या बाहर चले जाओ. एक ऑप्शन है, जाओ बाहर चले जाओ अगर बातें करनी है. 4 प्लस 2 रूट 2.
पेरीमीटर विल बी 4 + 2√2। कैलकुलेट करो अभी राइट नाउ, वही 2√2 हो जाएगा। ओरिजिन पे है 90 डिग्री होगा। हाँ करो करो, यस 0 0 2 0 0 2। OA सीधा ये आपके पास OA 2 आ जाएगा। OB 4 + 4 that means 8 that means 2√2 and this will be AB and OB is again 2, this is 4 + 2√2 answer आएगा। ठीक है, next question, if A 5 3 B 11 - 5 and P 12y, if A 5 3 B 11 - 5 and P 12y are the vertices of right angled at P, then find y. APB is forming right angle triangle with right angle at P, then find the value of pi. हाँ जी, 5 3 11 - 5 12y, right angle at P ऐसे होगा। आपको एक equation चाहिए जिससे y की value निकल जाए and right angle triangle में equation will be formed by using Pythagoras. So use the equation AB square is equal to AP square plus PB square. And get y. करो इसको solve. Right angled at P, A and B, P सबके तीनों के coordinates given है. Using the concept of Pythagoras theorem. मैंने बोला y की value find करो. मैंने ये नहीं पूछा AB tan है कि नहीं. Yes. Without making any invoice, do it. AB square is equal to AP square plus PB square use करते हुए. पाइथागोरस यूज करते हुए फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। यस्टरडे आई टोल्ड यू टू रजिस्टर ऑन करियर गाइडेंस पोर्टल, ओनली 2 स्टूडेंट्स हैव डन। अच्छा जी, जिसने कर लिया है उसके पास स्क्रीनशॉट मेरे को भेजो फिर। हम माधव नहीं भेजा, सिर्फ करके आज इस पोर्टल पे रजिस्टर, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो आज के आज। कितनी वैल्यू आ रही वाई की? करो सॉल्व डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए। y is equal to ऑप्शन बताती हूँ, मुझे बताना कौन सा आंसर आया आपका। दीज आर द ऑप्शंस, दो वैल्यूज आएंगी वाई की आफ्टर गेटिंग ए क्वाड्रेटिक, विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट? सी ऑप्शन आएगा आंसर, 2 और -4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी इज ट्वाइस द वाई कोऑर्डिनेट. X coordinate of a point is twice the y coordinate if P is equidistant, P is equidistant from Q to minus 5 and R minus 3, 6, then what will be the coordinates of P? X coordinate is twice the y coordinate. If P is equidistant from this and this, then what will be the coordinates of P? अब सबसे पहले तो हम equidistant का formula लगा के x y coordinate लेके अगर यहाँ पे P Q equal to P R की condition लगाएं. Suppose ये हमने मैंने y P की value ले ली x y. इस condition को लगा के हमारे पास x and y में एक equation बनेगी. जबकि एक इक्वेशन से हम सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो दूसरे वेरिएबल को उसमें से रूल आउट करने का मेथड क्या होगा? x कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस द y कोऑर्डिनेट, दैट मींस x इज इक्वल टू क्या पुट कर दो, 2y पुट करोगे, आपके पास सारी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? y में. तो वहां से y की वैल्यू आएगी, x विल बी इट्स डबल. करो सॉल्व. हाँ, y प्लस 2y के x, x की जगह पे 2y पुट कर दोगे पूरे इसमें, पुट करके y में आ जाएगी इक्वेशन. सॉल्व करोगे y के लिए, x विल बी इट्स डबलेट. ऑप्शंस आर a इज 16 8 14 7 18 9. वैसे ना इसका आसान तरीका पता क्या है कि आप ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, इनमें से एक पी बनना है ना, इन पॉइंट का इससे डिस्टेंस देख लो, जिसका डिस्टेंस इससे इक्वल आ गया वही आपका ऑप्शन बनेगा. बिकॉज़ दिस दीस पॉइंट शुड बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम क्यू एंड आर, क्योंकि डबलेट तो सब में है. ए वाला ऑप्शन है, एक मिनट, 10 फॉर्म ऑफ फाइव. देखो ध्यान से, वैसे तो अगर डबल वाली कंडीशन देखें तो सारे सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है, x कोऑर्डिनेट इज डबल देन y, उससे नहीं हो सकता. हम क्या करें, इन पॉइंट्स का डिस्टेंस p एंड q से निकाल रहे, इसका डिस्टेंस p से निकालो q से निकालो, जिस पॉइंट का डिस्टेंस p एंड q से इक्वल आ गया वही हमारा आंसर बनेगा. एंड द ऑप्शन इज, जैसे इसका डिस्टेंस निकाला पहले p से, यहां सॉरी q से, तो ये बना 16 माइनस 2 14 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस माइनस 5 13 का स्क्वायर. दूसरे का इसका डिस्टेंस यहां से निकाला 16 प्लस 3, दिस विल बी 19 स्क्वायर एंड 8 माइनस 6 2 स्क्वायर. दोनों को सॉल्व करोगे आपका आंसर सेम आएगा, डिस्टेंस निकाल लो दोनों का, राइट. चलिए नेक्स्ट, आंसर है इसका ए ऑप्शन 16 8. नेक्स्ट क्वेश्चन. बेटे ऐसे कोई फायदा है इतनी आवाज क्लास में क्रिएट करके करने का? नेक्स्ट, द फोर पॉइंट्स 0 -1 6, 7. हां जी, क्यों, किसने बोला मिड पॉइंट है? इक्वी डिस्टेंस हमेशा लाइन से थोड़ा हो सकता है, हम जरूरी थोड़ा लाइन पे हो, पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं, किसी भी तरह हो सकते हैं. दीज आर द पॉइंट्स विच आर फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल, फाइंड इट्स एरिया. रेक्टेंगल के पॉइंट्स दिए हुए हैं, मार्क कर लो इनको ए बी सी डी. एरिया वाला बच्चे कहते हैं एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं है. आप 7.3 एक्सरसाइज में देख लो, हमने रोम्बस का एरिया फाइंड किया था डिस्टेंस फॉर्मूला से. तो डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर एरिया निकल सकता है तो इक्वेशन आ सकता है. हाँ, जितना मर्जी बढ़ाओ. यस, कौन सा इक्वेशन दो पे,
रोम्बस का एरिया दो पेजेस का क्वेश्चन था पेपर में जो आया था, हाथ होगी। मैंने तो सेवन, मैं टॉकिंग अबाउट 7.3 का शायद लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस जिसके वैल्यू ऑफ द वर्टिसेस दी हुई है, डायगोनल्स का आंसर निकाल के हाफ इनटू डायगोनल वाला डायगोनल टू, कौन से दो पेजेस का है? मैं ऑप्शनल की बात नहीं कर रही, आई एम नॉट टॉकिंग, आप ऑप्शनल वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो। वर्टिसेस आर गिवन, फाइंड द एरिया, गलत बोल रहे हो, ऑप्शंस आई एम गिविंग ऑप्शन, दिस इज 50, 45, 40 and 30 स्क्वायर यूनिट्स। फाइंड ए बी एंड सी डी लेंथ एंड ब्रेथ एंड देन डू लेंथ इनटू ब्रेथ। ए बी की वैल्यू निकाल लो इधर से, बी सी की लेंथ इनटू ब्रेथ करके यू विल गेट एरिया। कृष्णा कर लो कुछ, हंसने से थोड़ा गुजारे होने। ए बी की वैल्यू निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूला से, 0, -1, 6, 7, -2, 3 and 8, 3 ठीक है पॉइंट्स। ए बी लेंथ निकालोगे पहले, चलो निकालते हैं ए बी की लेंथ, 0, -1, 6, 7, 36 + 64 ये 10 आया, ए बी की वैल्यू 10 आई। पहले तो प्लीज आवाज अपनी बंद कर लो, ए बी की वैल्यू 10, बी सी 8 square 64, 4 का square 16, 4 root 5, 40 root 5 ही आ रहा है, इसने कैलकुलेशन ही गलत की हुई है, यही आना आंसर, 40 root 5 ही आएगा, this is answer। एरिया ऑफ कौन सा कोऑर्डिनेट से? अच्छा एरिया जो दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करके, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला, इतना बड़ा क्यों लगाना, उसमें ज्यादा लेंथी हो जाएगा, फिर उसके लिए एक ए भी एक एक और मेथड होता है, ग्राफ पे ड्रॉ करके कर दो, और ज्यादा इजी है ना। चलिए यस नेक्स्ट देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री वर्टिसेस of triangle AOB, three vertices of triangle AOB ट्राइंगल की तीन वर्टिसेस दी हुई हैं, ए इज 0.2y, बी इज 2x, 0 एंड ओ इज 0.0। द क्वेश्चन इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एओबी इन द फिगर, 2x/3, कैसे 2x/3, 2 सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द
व्हाट इज दिस, ये कहाँ से? हाँ तो वो तो सेंट्रोइड का आंसर है। सेंट्रोइड तो ये किसने बोला कि सेंट्रोइड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, फ्रॉम द वर्टिसेस है? ऐसे नहीं होगा। लिसन, सेंट्रोइड इज नॉट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। हु टोल्ड यू? सेंट्रोइड तो मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 की रेशो में। गलत है। एक्स वाई, वाई एक्स, एक्स बाय टू, वाई बाय टू। लिसन, अच्छा एक मिनट, इसको लिसन, इसको करने का फिर से वही आसान तरीका यही है कि आप डिस्टेंस फाइंड कर लो। डिस्टेंस बहुत जल्दी डिस्टेंस से आपके पास हो जाएगा। एंड एक्स वाई इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। एक्स वाई का डिस्टेंस ए से निकालो, ओ से निकालो एंड बी से निकालो, द थ्री डिस्टेंसेस विल बी इक्वल। निकाल के देखो एक्स वाई का डिस्टेंस तीनों से। पहला पॉइंट, हाँ मिड पॉइंट तो पूछा ही नहीं है, इक्वी डिस्टेंस फाइंड करना है कि तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। पहले ए से डिस्टेंस लो, जीरो जीरो से भी लो, इससे भी लो, एक्स वाई ही आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला से करो, बेटर वे है। चलिए द पॉइंट पी के माइनस 1, 2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए 3K एंड बी के 5। पॉइंट पी के माइनस 1, 2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए 3K एंड बी के 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मैंने ना तो हंसने के लिए बोला एकजुट, ना ही आपस में बातें करने के लिए, कोई मजाक नहीं हो रहा यहाँ पे। पेपर में देखना 40 में से फिर 40 लेने मुश्किल हो जाते हैं, तब आपको कुछ नहीं। अभी आपको सब कुछ आता है जब क्लास में करवाओ, तभी आपको कुछ होता है जब पेपर सामने आता है। सर्कम सेंटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कम सर्कम सेंटर होता है इक्विडिस्टेंस पे। सर्कम सर्कल से सेमी सर्कल 90 डिग्री का एंगल, हाँ हो सकता है। रेडियाई को इक्वल लेके भी कर सकते हैं। P is equidistant from these point, find the value of K. Options are (2, 3), (-2, 4), (1, 5), (5, -1). K, K. Value of K is to be find out. दो वैल्यूज आ रही है K. 1 and 5। हाँ चलो विल कंटिन्यू। छुट्टी टाइम नहीं, छुट्टी टाइम पूछना, जो भी डाउट है छुट्टी टाइम।